अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो दोस्तों व्यू लें छत का, अल्हम्दुलिल्लाह छत काफ़ी साफ़ और बड़ी लग रही है आपको जब से ये दो पिंजरे उठवा दी हैं। तो आज तो मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इंग्लिश हुआ हुआ है, मज़े का हुआ हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बना रहे हैं, आज की वीडियो थोड़ी सी मैंने कहा चले बना के शेयर करते हैं। वो तीन चार बच्चे तो थे जेदी भाई के और अपने एक जो थे उनको ला के आज बाहर छोड़ते हैं, काफ़ी टाइम हो गया वो हड हामी कर रहे हैं, टाइम नहीं मिला। और आइडियल मौसम है दोस्तों ये बच्चे छोड़ने का, क्योंकि बारिशों के बाद धूप निकली है। देखिए काफ़ी लोगों ने, हमारे हमसायों ने कबूतर छोड़े भी हुए हैं, ये देखें ये माशाल्लाह, इन्होंने देखे कबूतर उड़ाए हैं, वो देखें वो पीछे भी छोड़े हुए हैं हमारे। बस ये मसला है कि हमारे जो कबूतर हैं वो आपको पता थोड़े से जो है ना अपना उनका मसला मसाइल हुआ हुआ है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि लैस नहीं है अभी। अगर वो लैस हो जाएंगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा ये सारा कबूतर। ये देखें ये तो फर्स्ट नंबर पे, ये जेदी का बच्चा है, ठीक है चेक करें ज़रा इसका भी निज़ाम आप देखें। ये बड़ा शादू बच्चा है, इसका भी आपको शो करवाते हैं। ये लें जी, ले जी चल बेटा आज से तेरी ट्रेनिंग शुरू है। एक ये है ठीक है, फिलहाल अभी एक ये छोड़ा बच्चा हमने ऊपर, इसका भी शो करें आप, क्योंकि अब ये ऊपर ही रहेंगे, बहुत हो गए इनके साथ प्यार लाट खा खा के, ये जो है ना हड आराम हो गए हुए हैं और असूलन इनको उड़ाना भी चाहिए। तीन चार हैं, ये जाग बच्चा है, इसको तो वैसे ही पोलियो हुआ हुआ है मुझे ख्याल है, वरना इसके हालात पूरे हो गए हैं। अभी लेके आता हूँ मैं बच्चे बहुत जल्द ना इंशाल्लाह, चल जा तू भी, वो देखे ना उससे उड़ा ही नहीं जा रहा। ये तो मुझे लग रहा है बिल्ली के आसर ही चढ़ेगा जैसे इसके काम है, अभी ला के छोड़े हैं बस। आज मैंने इंशाल्लाह नरमा दियाँ भी लादा लादा कर देनी है, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी से गुजर है। और आजकल ये नीवी वाला बच्चा एक नासर के पास चला गया था, एक जो है इधर खुटे में गंद आ रहा। चल बेटा बाहर, ये जी नीवी वाला बच्चा भी गया बाहर, एक जेदी वाला छोड़ा बाहर, एक ये नीवी वाला बाहर छोड़ा। और अभी हम तो देखते हैं बाकी हमारे कौन से काम के बच्चे हैं। अभी वो दो लाखे आए थे, भी मैंने पर खींच के बड़ी गलती की, मुझे बड़ा जो है ना दुख हो रहा उनका कि मैंने क्यों पर खींची, मुझे ना उनके पर नहीं खींचने चाहिए थे, फायदा ही कोई नहीं था पर खींचने का। ये भी लाखा बच्चा ही देखिए, तीन चार बच्ची हैं ये ना जो है, इनको अभी मैं बाहर निकालता हूँ। ये देखें ये पकड़ लिया मैंने, एक ये पकड़ लिया फिलहाल के लिए अभी तक। ये दोस्तों ये भी बाहर निकालने लगे हैं बच्चे, अब चल तू भी जा बाहर, ये रोज़ अब बाहर निकला करेंगे क्योंकि धूप से है ना ऊपर ही बैठे रहे चाहे, लेकिन निकलेंगे बाहर ही। अब इनके खुटे से तला ख़त्म हो गए, चलो इतने आज भागना कल भागना अभी भागो, अब ये ऊपर ही रहेंगे जब से हम जो है ना अभी दो बच्चे हो रहे हैं वो भी निकाल दें, उसके बाद फिर कबूतरों का आपको शौक करवाता हूँ। आज थोड़ी सी सफाई करके नरमादियाँ भी लैदा लैदा कर देनी है। कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं, गुल्लों पे आ गए हैं, उनके पर काफ़ी होकर आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, बस थोड़ा बहुत टाइम रह गया है, फिर इंशाल्लाह और 5-10 दिन की बात है। सारी एक बच्चा वो गया भाग गया उधर अंदर भाग गया, मुझे फिर वहाँ से जाना पड़ेगा। एक बच्चा ये है और एक बच्चा जेदी वाला और है, उसको भी हम ढूँढ रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ पर है, वो नहीं मुझे मिल रहा। तो बहरहाल अभी उधर मुझे जाना पड़ेगा वापस से वीडियो के अंदर, दाना लेके जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दाना जो है ना थोड़े से इनको भूख आजकल लगी रहती है क्योंकि लैस हो रहे हैं। ये देखें ये बैठा हुआ, दो बच्ची और हैं, इनको भी आज बाहर निकालें, आज से इनको डंडे मारते हैं, चलो कुछ नहीं ना कुछ नहीं तो रवा तो होंगे ना, छिड़े लगाने का तो काम आएंगे ना, ऐसे तो फिर काम ख़राब है, दाना डाल लो सारे। एक था वो मैंने उसके पार की थी, आ जाओ अब आएँगे। देखे ना मेरे पिंजरों के सिस्टम नहीं है, अब जो मैंने निकालने हैं वो अंदर चले गए हैं, जो नहीं निकालने हैं वो बाहर दाना खा रहे हैं। तो ये कुछ कबूतर होते हैं जो कि ना सेंसिटिव होते हैं, उनको बड़ा ख्याल करना पड़ता है। अभी मुझे फिर अंदर जाना पड़ेगा लगता है, अब मैं वहाँ से जाता हूँ अंदर जाकर फिर से दोबारा से निकाल के लाता हूँ बच्चे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको आगे, इंशाल्लाह मज़े मज़े की वीडियोज़ बना करेंगे। बस लैस होने का इंतज़ार है, जल्द से जल्द कबूतर लैस हो जाए और अपना जो है ना सारा निज़ाम सीधा बदला हो जाएगा, और फिर बाइक चले जाते हैं। ये बच्चा इसको पकड़ने पकड़ने, चल चल चल, एक तो आ गया, एक बाइक चला गया जी, एक तो हमारे हाथे आ गया, एक जेदी वाला बच्चा चला गया बाइक, ये भी हमारे हाथे आ गया, ये देखें ये भी निकल गया जी बाइक, ये देख बच्चा अच्छा ही, इसमें कोई वो नहीं है। ये देखें शौक करें ज़रा बच्चे का, ये चला गया ऊपर, ठीक है अब पीछे रह गया एक बच्चा और दो तीन कबूतरियाँ और, उनको भी इंशाल्लाह जो है ना
ये रहा जेदी वाला बच्चा एक और। चल बेटा तेरा टाइम हो गया, बहुत खा लिया, चलो ये अब छुट्टियां ख़त्म, आज से काम पे जाओ। ये नहीं दोस्तों, ये पांच छह बच्चे हैं, अभी इनको कुछ चीज़ से उड़ाते हैं क्योंकि अभी तंबल ही आए, उड़ना छुड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन यह चलो ऊपर नीचे तो होंगे ना, इतनी देर से खा भी रहे हैं, ये अपने पास लाल कपड़ा है इसी से उड़ाते हैं। हेलो, चलो ऊपर ही बैठे रहे, कुछ नहीं होता इनको, पता तो लगे ना उड़ना, अभी ऊपर ही जो है ना अपना गुजारा करेंगे, अभी इनको नीचे वाला काम नहीं देना हमने, बहुत हो गया इनसे ऊपर वाला काम, ले नीचे ना खिलाफ ला के ना इन्हें काफ़ी जो है ना वो मैंने हड आराम कर दिया, तो बुराला जो है ना छत की सफाई कर दी हुई है, थोड़ा बहुत ही रह गया, अंदर की भी सफाई करनी है। और आज मैंने फिर अभी वीडियो में बोला शाम को जो है ना मैंने इनको थोड़ा सा दाना डालने के बाद ना सुबह में डालता हूँ थोड़ा सा दाना, मेरी आदत है कबूतरों को ज़रा ना, फिर वो भूखे नहीं रहते, जाम सारा उल्ट पुल्ट हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह जो है ना थोड़ा सा इनको दाना डाल दें, फिर पानी डाल के ना चलते हैं ताकि कबूतर भी बाहर फिरते रहे। मौसम बहुत इंग्लिश हुआ हुआ है, आइडियल मौसम, इस तरह सर्दियों में धूप नहीं निकलती, उस तरह की फीलिंग आ रही है, यकीन मानें बिल्कुल आपको सच और ट्रू बात करूँ। कबूतर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव है, ये देखें माशाल्लाह आ रहे हैं, दाना खा रहे हैं, जैसे फिर बोल रहा हूँ जैसे सर्दियों में एटमोसफेयर हुआ था ना वैसे होता है। ये लाखी पट्टी हमें गिफ्ट मिली थी तो हमने जो है ना इसको लपड़ दिया, मैंने कहा ज़ाया ना हो जाए, ज़ाया के डर से ना मैंने इसको लपड़ दिया, अब मुझे वो हो रहा है कि यार मैं इसको ना ही लपड़ता इसको उड़ाता, लेकिन खैर अब ये सेफ़ हो गई है, अभी डर के कबूतर कुछ नहीं आ रहे, लेकिन कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हेल्दी एक्टिव हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। एक सुबह सुबह छोटी सी वीडियो बनाई है, आलमोस्ट 9:30 का टाइम हो रहा है, ज़्यादा नहीं टाइम हो रहा, तो धूप शूप निकली है, वो देखें जिनके पास है वो खोल के बैठे हैं, जिनके पास नहीं है वो अंदर ही बंद के बैठे हैं। और यार अभी और एक महीना भी कम से कम ही मुझे चाहिए, उसके बाद भी कबूतर लैस होंगे, फिर ही को रौनक में लग छत पे लगेगी। और आज ये बच्चे बुच्चे मैंने वो ऊपर बैठा दिए, इनको भी किसी चीज़ से उठाता हूँ, डराता हूँ फिर दोबारा शायद ये जाए उड़ी जाए, चलो ये उड़ ही गए हैं, वो देख रहे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, अभी ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहेंगे ना इन्हें उड़ना आ जाएगा, चलो ऐसे ही सेट हो जाएंगे। अब ये वो आपकी बात अक्सर यदि ठीक करता उड़ेंगे, उड़ाएंगे तो उड़ेंगे ना, अभी वीडियो बंद करके इनको मैं ज़रा थोड़ा सा छेड़ता हूँ, तो जो है ना ये पानी इनके लिए निकाला है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा दाना पानी भी इनको कर ले सुबह सुबह, थोड़ा सा मैं दाना जरूर आकर डालता हूँ, ये मेरी रूटीन है। और एटमोसफेयर बहुत प्यारा भाई दे, अभी बेचारों को उड़ना नहीं आता, तंबल है ये, रोज़ उड़ेंगे ना ज़रा सेट मेट हो जाएंगे बिल्कुल, इनको रवान का कुंदे रवान हो जाएंगे, चलो 15 बीजे देखना अच्छा भला बच्चा ही, बेचारों को उड़ाएंगे तो उड़ेगा ना, वो देखो वो गलियाँ टाप रहा वो गया, वो जाके उनके पास बैठ गया उल्लू का बच्चा, वो देखा कोई काम से करने वाले, अब वो क्या है तंबल है वो इस वजह से बैठ गए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं जी, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।